वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर जो नव नियुक्त शिक्षकों को जो 20 नवंबर तक जो है स्कूल आवंटन हर हाल में कर देना है। अभी तक जो है 16 जिलों ने पूरा कर लिया, बाकी के जिलों का भी हम अभी शेड्यूल बताएंगे कि कब क्या क्या होने वाली है। साथ ही साथ जो है सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि 20 नवंबर का सेकंड मेरिट लिस्ट कैसे आ सकती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर एक अपडेट इसी तरीके से मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्लियरली बता दूँ कि रेडमाइजेशन में से 16 जिलों में शिक्षकों का हो गया है पदस्थापन। 16 जिलों में है शिक्षकों का स्कूल आवंटन का अलॉटमेंट कर दिया गया और वे सभी जो है ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, योगदान भी दे रहे हैं स्कूल में जाकर। लेकिन एक टारगेट रखा गया है कि छठ से पहले सभी शिक्षकों को विद्यालय का आवंटन कर देनी है। तो छठ से पहले देखिएगा, छठ से पहले सभी शिक्षकों का विद्यालय का आवंटन हो जाएगा और छठ के बाद जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट आएगी, मतलब सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगी। जैसा कि अतुल प्रसाद सर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि छठ के बाद हम देंगे, और छठ से पहले टारगेट है कि जितने भी विद्यालय है वहाँ पर आवंटन कर दिया जाए, जितने भी स्टूडेंट नवनियुक्त शिक्षक है उनको स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाए, और उससे पहले तक एक मतलब 30 तारीख तक उनको योगदान करने का भी समय दे दिया गया है कि आप 30 तारीख तक योगदान कीजिए। साथ ही साथ जो सेकंड मेरिट लिस्ट द्वारा जो भी बच्चे चयनित होंगे उनको भी यहाँ पर योगदान करने का डेट बताया जाएगा, उनको भी यह प्रक्रिया बताया जाएगा। तो जो है क्लियर है यहाँ पर, दीपावली बीतते ही राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग के लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। तो 1,20,000 तो नहीं है फ्रेंड्स, लगभग मैं कह सकता हूँ 1,00,000, ठीक है ना, पूरा 1,00,000 समथिंग स्टूडेंट होंगे। 15,000 स्टूडेंट जो है अभी तक इसमें नहीं शामिल हुए होंगे, या तो वे डीवी के कारण छट गए होंगे, या एक से अधिक उनको रिजल्ट आ गया होगा, या कुछ हो गया मामला, ठीक है ना। तो जो मैं सब आपका रिजल्ट मतलब जो है नोटिस बताते रहता हूँ, देख लीजिएगा क्या कुछ मामला है, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं इसके बारे में। अब जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके से जो है 16 जिलों में शिक्षकों का पदस्थापन किया जा चुका है। इसमें वैशाली, सेकुड़ा, कैमूर, शिवहर, कटिहार और किशनगंज जिले में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन किया गया है। कुछ स्कूलों में नवनियुक्त शिक्षकों का अध्यापन शुरू भी कर दिया है। शिक्षा विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि मंगलवार के देर रात सॉफ्टवेयर से एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर पटना, नालंदा, नवादा, भोजपुर और सारण समेत 10 जिलों में चयनित शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी जाएगी। इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटन किया जा रहा है। वहाँ प्रधानाध्यापक की मौजूदगी में योगदान पत्र देने की व्यवस्था की गई है और 20 से पहले सभी जिलों में नवनियुक्त शिक्षकों के विद्यालय आवंटन करते हुए सेवा में योगदान करार लिया जाएगा 20 तारीख से पहले। तो ये कन्फर्म मानिए कि 21 या 22 या 23 तारीख को जो है आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट आ रही है। 20 तारीख के बाद किसी भी समय आ सकती है, जैसे ही रिक्त पद रहेगी वह बीपीएससी आयोग के पास जाएगा, वे जो है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर देंगे। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, साफ तौर पर क्लियर होते हुए नज़र आ रहा है और काम जो है बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। नवनियुक्त अध्यापक 18 तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भी भाग लेंगे। जो भी नवनियुक्त 18 तारीख के बीआरसी में जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होने वाली है उसमें वे लोग भाग लेंगे और उनको बताया जाएगा साफ सफाई की गतिविधि, ये सब कैसे कैसे होता है, स्कूल योजनाबद्ध तरीके से वर्क संचालन, स्कूलों में साफ सफाई, ठीक है ना, ये सब चीज़ उनको बताया जाएगा। छात्रवृत्ति योजना से रिलेटेड, मध्याह्न भोजन का नियम, बच्चों को स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें, इन चीज़ों का ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा बीआरसी में। तो यही सब चल रही है अभी, तो आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, कोई भी अपडेट आती है आपको सूचित कर दिया जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, चला हो तो लाइक कीजिए, किसी भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।